मैंने तो तुम्हें एक बिल्कुल सरल विधि बताई थी ना कि किस तरीके से हम बिना भाग किए केवल संख्या के अंतिम दो अंकों को 4 से भाग करके ये जान सकते हैं कि वो संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं। लेकिन बच्चों जानते हो, कभी-कभी हम 400 से भी भाग करते हैं और ऐसा हम शताब्दी वर्ष में करते हैं। ये शताब्दी वर्ष क्या होता है दीदी? शताब्दी वर्ष अभी बताती हूँ। देखो, जो भी कोई वर्ष जिसके जिसके अंतिम दो अंक शून्य होते हैं वो शताब्दी वर्ष होता है। जैसे 100 हो गया, 400 हो गया, 1600 हो गया या 2000 हो गया, यानी इसमें अंतिम दोनों अंक शून्य है कि नहीं? दीदी, हम शताब्दी वर्ष को हमेशा 400 से क्यों विभाजित करेंगे? माँ ने बताया था कि वर्ष में 365 दिन होते हैं, बोला था ना, और माँ ने ये भी बोला होगा कि हम उसमें से 6 घंटे छोड़ देते हैं। जब माँ ने इतना समझाया है तो ये भी बताया होगा ना। अब बच्चों होता क्या है, जो 6 घंटे हम छोड़ देते हैं ना, वो पूरे पूरे 6 घंटे नहीं होते हैं, वो वास्तव में होता है 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकेंड। लेकिन हम उसको क्या कर रहे थे, पूरा पूरा 6 वर्ष मान रहे थे, यानी कि पहले वर्ष के 6 घंटे जमा दूसरे वर्ष के 6 घंटे जमा तीसरे वर्ष के 6 घंटे और जमा चौथे वर्ष के 6 घंटे। तो कुल कितना हो रहा था, 24 24 घंटे, यानी 24 घंटे का हो गया एक दिन, और हमने उसको चौथे वर्ष में जोड़ दिया था। लेकिन बच्चों, मैंने अभी तुमको बताया कि ये जो समय होता है 6 घंटे से कुछ कम होता है, बताया था ना। तो अब हम जब इसको 6 घंटे को 4 बार जोड़ रहे हैं तब तो 24 आ रहा है, लेकिन जब ये 6 घंटे से कुछ कम है तो ये पूरा पूरा 24 घंटे तो नहीं बन पाएगा, कुछ कम रह जाएगा ना। भाई, हम जब 6 घंटे से कुछ समय कम है उसको जोड़ेंगे तो 24 वर्ष तो नहीं बन 24 घंटे तो नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम अपने मन से थोड़ा सा समय 24 घंटे को पूरा करने के लिए जोड़ देते हैं। आया समझ में? आया ना? हमने थोड़ा सा समय इसको 24 घंटे बनाने के लिए क्या करा, अपने मन से जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये पूरा एक दिन बन गया। अब बच्चों, हमने जो अपने मन से एक कुछ समय जोड़ा था, ये धीरे 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 हर 4 वर्ष में जुड़ करके क्या होता है, 400 वर्षों में जाकर के 3 दिन के बराबर हो जाता है। अब अपने मन से तो हम कोई समय किसी भी वर्ष में जोड़ नहीं सकते हैं, तो गलत होता है, तो जो हमने जोड़ा है उसे कहीं ना कहीं घटाना भी तो पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो जो हमने थोड़ा सा जब समय जोड़ा था वो 400 वर्ष में जाके 3 दिन के बराबर बन गया, अब हमें वो 3 दिन भी तो घटाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, शताब्दी वर्षों के जो 3 शताब्दियां आती है ना, प्रथम 3 शताब्दियां, उसमें एक एक दिन को घटा देते हैं। जैसे मान लो ये है 2100, और ये है 2200, अब हमने आके लिख दिया 2300, 2300, अब आगे क्या लिखेंगे, 2400, 2400। जो 3 दिन हमने बढ़ाए हैं उसको घटाने के लिए हम इस वर्ष में इसको नहीं जोड़ेंगे, इस वर्ष में भी नहीं जोड़ेंगे, 2300 में भी नहीं जोड़ेंगे। अब हमारे 3 दिन पूरे हो गए, जितने 3 दिन बढ़ाए थे उतने 3 दिन पूरे हो गए। अब हम उसको क्या करते हैं, चौथी शताब्दी में जो चौथी शताब्दी पड़ी 2400, उसमें जोड़ देते हैं एक दिन, अब एक दिन इसमें जोड़ दिया, यानी कि चौथी शताब्दी जो पड़ती है वो लीप वर्ष होती है, यानी उसमें फरवरी माह में 29 दिन हो गए। ठीक है ना? अभी हमसे विनोद ने पूछा था कि हम दीदी 400 से विभाजित क्यों करते हैं। अरे बच्चों, अगर हम 4 से हर शताब्दी वर्ष को विभाजित करेंगे तो हर शताब्दी वर्ष 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना कि सारी की सारी शताब्दियां लीप वर्ष हो जाएंगी। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता है, हमें 3 दिन भी तो घटाने हैं। अब हम ये सोचते हैं कि हमें कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष ऐसा होगा जो कि लीप वर्ष होगा, तो हम 400 से विभाजित करते हैं। 400 से तो सारी के सारी शताब्दियां विभाजित नहीं होंगी ना, सिर्फ 400 सालों में एक ही शताब्दी ऐसा वर्ष ऐसा होगा जो कि विभाजित होगा, अर्थात वो वर्ष लीप वर्ष होगा।
अब मैं तुम्हें एक शताब्दी वर्ष को हल करके बताती हूँ। अब देखो बच्चों, अब हमारा आने वाला शताब्दी वर्ष जानते हो कौन सा है? सन 2000। तो ये हो गया सन 2000, और हम इस संख्या से विभाजित करेंगे 400 से। 400 से, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। हमने इसको 400 से विभाजित किया तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, यानी 400 पंजे कितना होता है? 2000। और ये पूरा पूरा इससे विभाजित हो गया। ये देखो, शून्य से शून्य गया शून्य, यहाँ भी आ जाएगा शून्य, यहाँ पे शून्य, और दो में से दो गया तो शून्य, यानी कि ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो सन 2000 क्या क्या हुआ? लीप वर्ष हो गया ना। अब मैं तुम्हें एक और वर्ष बताती हूँ, ठीक है? इसको देखना कि ये लीप वर्ष है कि नहीं। मान लो हमने लिया सन 2600 और इसको भी हम 400 से विभाजित करेंगे ना। इधर हमने लिख दिया, इधर हमने क्या लिखा बच्चों? 400 लिख दिया। अब हमने अभी क्या बताया था? 6 से इसमें ये पूरा जाएगा कि नहीं, इसको देखने के लिए हमने 400 छिंग को यहाँ लिखा शून्य शून्य 24। हम इसको 400 से 2600 में भाग देंगे तो यहाँ पे लिखा 6 और इसके नीचे लिखा 2400। तो बच्चों का शेष कितना बचा? शून्य में से शून्य गया शून्य, ठीक, इधर भी आ जाएगा शून्य। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 6 में से 4 गया बचा 2। यानी मामला गड़बड़ है, शेष बच रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? सन 2600 लीप वर्ष नहीं होगा, यानी 2600 में फरवरी माह में 29 दिन के बजाय 28 दिन होंगे। बच्चों अब तो तुम्हारी सबकी समझ में आ गया ना कि शताब्दी वर्ष कौन से वर्ष होते हैं, जैसे कि 400, 1600, 2000। और सारी शताब्दियां लीप वर्ष नहीं होती है। जी, शताब्दी वर्ष का भी हल समझ गए ना? जी, 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 जी।